यो गाइस, मॉर्निंग सभी को एंड स्वागत है और एक न्यू व्लॉग में। एंड आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज संडे है एंड छुट्टी का दिन आज। एंड सुबह से ही मैं उठ गया था, करीबन करीबन सात से साढ़े सात बजे उठ गया था। आज थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि कल का जो एडिटिंग है मैं कर रहा था, इससे थोड़ा सा लेट सोए। करीबन करीबन 11:30 बजे मैं सोया, तब भी टाइम से थोड़ा सा जल्दी उठ गया हूँ मैं। एंड आज ये मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिस्किट कभी खाया नहीं, मतलब कि कम से कम तो 6-7 महीनों से मैं इसको छुआ या देखा तक नहीं मैं उसको, एंड बहुत दिनों के बाद। एंड सच कहूँ तो इसको देख के मेरे को बचपन की याद आ गई, जब मारी बिस्कुट या कुछ आता था इस जैसे चौकड़ नहीं बोलता वो। एंड एक बार चाय के अंदर जाता तो वापस फिर कभी नहीं आता था, मतलब कि दुनिया में टेस्टी चीज़ ही मतलब कि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती मेरे मानना है। एंड दुनिया में शायद ऐसी मतलब कि हर कुछ चटपटी मज़ेदार चीज़ ही मतलब कि सेहत के लिए हानिकारक होता है। एंड जो उबला हुआ तला हुआ सब कुछ पोषण मतलब कि अच्छा होता है, खास ये चेंज होकर उल्टा हो सकता था, मतलब कि मच बेटर। एंड आप लोग शायद नोटिस किए होंगे कि मेरे को पता नहीं, पहले जब मतलब कि इससे पहले वाला ब्लॉग जो मैंने सुबह छोड़ा था, एंड कुछ पता नहीं कुछ एरर आ गई थी एंड वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। पता नहीं कैसे डिलीट हुआ। उसके बाद मैं फिर से मतलब उस ब्लॉग को मैंने अब फिर से लकीली मैंने उस फाइल को मैंने डिलीट नहीं किया था जो एडिट करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा मेमोरी मतलब कि नेक्स्ट ब्लॉग मतलब शूट करने के लिए और स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इसको काट देता हूँ। एंड लकीली उस दिन मैंने नहीं किया था ये सब। एंड इस बार मैं सोच रहा हूँ कि ये जो माइक देख रहे हो आप एंड ये लंबा तार जो जा रहा है वहाँ तक इसका ज़रूरत ना पड़े, इसलिए बोया MM1 करके एक माइक आता है जो शॉटगन माइक की तरह काम करता है एंड जो फ़ोन के ऊपर लगता है। एंड ये इतना जो तार लंबा सा तार है इसको मतलब कि कैरी हर जगह नहीं करना पड़ता, एंड उसमें एक माउंट लगा होता है एंड वो ट्राईपॉड से चिपक जाता है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि वो लूँ। हाँ, वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, 2000 का करीब करीब होगा वो। मैं लेने की कोशिश करूँगा। एंड इसका जो माइक की क्वालिटी है एंड उसका जो माइक क्वालिटी है डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा सा अच्छा मतलब उसका माइक क्वालिटी है। एंड मैं अभी फोकस कर रहा हूँ थोड़ा सा जो बेटर साउंड, उसमें थोड़ा बहुत बेटर साउंड आता है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि वो माइक परचेस करने की थोड़ी बहुत दिन में। एंड पुश पुल लेग में कभी मैं रूटीन फॉलो कर रहा हूँ एंड हर एक मसल को मैं अभी 2 दिन टारगेट कर रहा हूँ। एंड मैं खास करके अच्छे से चेस्ट को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ये सब चेस्ट की वजह से है क्योंकि मेरा आप लोग जानते हो अपर चेस्ट बहुत कमज़ोर है, अपर चेस्ट में बहुत ज़्यादा काम करने की मेरे को अभी भी ज़रूरत है। एंड आई थिंक कि इस साल की खत्म होते होते ये अपर चेस्ट जो है ये जितना भी वीक है सब मैं गायब कर दूंगा, इतना तो प्रॉमिस कर सकता हूँ। एंड बहुत दिनों के बाद फिर से जो रूम है फिर से क्लियर है एंड पूरा पसीन से भीग गया हूँ मैं। एंड आखिरी में ज़रूर बताना वर्कआउट कैसा हुआ एंड आपको वे वीडियो कैसा लगा। अभी मैं हूँ जिम में आ गया हूँ एंड ये आप लोग जो देख रहे हैं कल का शनिवार का क्लिप है, ये आज का फुल ब्लॉग मैं नहीं बना रहा हूँ, कल मैं जो संडे को मैं ब्लॉग बनाऊंगा उससे अटैच कर दूंगा। आज सुबह से कुछ काम था इसीलिए मैं ब्लॉग बना नहीं पाया एंड आई होप आप लोग समझ रहे हो कितना घर का भी काम मेरे को देखना पड़ता है, इससे छोड़ो। एंड आज हम लोग कर रहे हैं चेस्ट और चेस्ट पे आज ट्राई करेंगे कि इंक्लाइन बेंच प्रेस पे 25 से 20 रैप लगाने की। पहली बार मैं 15 रैप लगाया जैसे तैसे लास्ट सेट में एंड इस बार ट्राई करेंगे कि और रैप को बढ़ा के 20 किया जाए एंड उसको बाद में मैं 30 kg डंबल से रिप्लेस करके 10 या 8 जैसे भी करके करूँ नेक्स्ट हफ्ते, इस हफ्ते पे नहीं। आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम है मेरा एंड आज सिर्फ मैं आया हूँ, मतलब कि इतना ज़्यादा नींद आ रही है मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा। इंक्लाइंड डंबल प्रेस से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड आएगा फ्लैट में मारता नहीं हूँ बेसिकली, उससे मैं रिप्लेस कर दिया हूँ डिक्लाइन से एंड आज तीनों ही मारेंगे इंक्लाइन फ्लैट एंड डिक्लाइन एंड देखते हैं चलो। एंड उसके बाद मारेंगे इंक्लाइन केबल फ्लाई जो मेरा हर सबसे फेवरेट वर्कआउट्स में से एक है, चलो स्टार्ट करते हैं।
अभी पानी लेने आया है एंड आखिरकार चेंजेस हो पाएंगे, नहीं तो दो तीन दिन बहुत दिनों बाद, मतलब कि एक हफ्ते के बाद बारिश हो रहा है एंड इस टाइम में मतलब कि रात को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड चेंजेस हो पाएंगे। अरे जल चलो, अभी वार्म अप हो चुका है, सुबह करके डरा ही दिया था। स्टार्ट करते हैं एंड चलो वर्कआउट खत्म हो गया है, अभी कार्डियो टाइम है एंड पानी भर के कार्डियो स्टार्ट करना होगा एंड चलने से एंड 10 से 15 मिनट भागेंगे, उसके बाद एप्स। बस आज के लिए इतना ही है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ही ज़्यादा भूख। आज का टिफिन कुछ डिफरेंस है एंड इसको पहले सीधे करता हूँ, नहीं तो एंड आज थोड़ा सा कुछ अलग लाया हूँ मैं, किसी को बताया नहीं कि आज चिकन लाया हूँ मैं, नहीं तो सब ऐसे टूट पड़ते थे ना, मतलब कि एक मिनट में ख़त्म हो जाता, मेरे को कुछ नहीं मिलता सिर्फ हड्डियों के अलावा भी। एंड मैं सोच रहा हूँ कि इस जो माइक है बोया का, ये मतलब कि इतना अच्छा साउंड नहीं दे पा रहा है एंड जो अभी जो शॉटगन माइक आता है बोया का, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा,
उसको लेने के बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ। पहले तो ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए फोटो को। मैं ही देख रहा हूँ, जब मेरे को अजीब सा लग रहा है कि ये रहा आज का चिकन, थोड़ा सा सच में तो आई डोंट सी इट। मैं देख रहा हूँ भाई, तो चुप नहीं देख रहा है मेरे को। एंड आज का वर्कआउट ठीक ठाक गया, मतलब उतना अच्छा नहीं हुआ, मतलब एक बैलेंसिंग गया, खराब भी नहीं बोलूंगा अच्छा भी नहीं बोलूंगा। चलो वैसे भी बहुत लेट हो गया है, भागो भागो नहीं तो ट्रेन नहीं मिलेगी। एंड अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैं घर पे पहुंचा, एंड मैं बाहर आते आते बस 5 मिनट रह गया था। एंड जैसे तैसे मैं बाहर निकला जिम के, एंड दौड़ते दौड़ते बस आया, एंड आके देखा 8 बजे का ट्रेन डिले हो गया है, 8:30 बजे। चलो तो पहले तो फ्रेश हो लेते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। एंड आई होप आप लोगों को भी ये ब्लॉग अच्छा लगे। मिलता हूँ नेक्स्ट दिन, एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आया। एंड पसंद आया तो एक लाइक छोड़ देना मेरे लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू गाइस।